जिला कांगड़ा की प्रमुख सब्जी मंडी जसूर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। आलम यह है कि उचित सफाई व्यवस्था न होने के कारण मंडी प्रांगण में आधा आधा फुट कीचड़ ही कीचड़ का अंबार लगा हुआ है। वहीं आसपास की नालियों में भरी हुई गंदगी ऐसी बदबू मार रही है कि मंडी में आने वाले लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। लोगों को नाक पर रुमाल रख कर वहां से गुजरना पड़ रहा है। मंडी परिषद में बंद पड़े शौचालय के द्वार स्वच्छता अभियान की पोल खोल रहे हैं। व्यापारियों और बागवानों के लिए बनाए गए शौचालय और स्नाना घर के दरवाजों पर पिछले 3 साल से ताले लटके हुए हैं। हर साल मंडी बोर्ड को लाखों करोड़ों का राजस्व देने वाली सब्जी मंडी जसूर में अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर हो गई है। गंदगी भरे माहौल में यहां आने वाले लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने के कारण भी मंडी बोर्ड पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं कि इतने बड़े संस्थान में ये मूलभूत सुविधाएं कब लोगों को मुहैया होंगी। सब्जी मंडी जसूर ग्रेली खड के पास 1990 में शुरू हुई थी। वर्तमान समय में इस मंडी में 31 आड़ती हैं और दुकानों के किराए के अलावा 25 से 30 लाख तक का राजस्व सरकार को यह मंडी व्यापार से देती है। लेकिन ना तो यहां शौचालय है, ना ही स्नाना घर, ना ही यहां कोई पीने के पानी की उचित व्यवस्था है, ना ही रोशनी के लिए हाईमास्ट लाइटों की व्यवस्था है। मंडी संचालक ने बताया कि बोर्ड द्वारा यहां एक सफाई कर्मी रखा गया है जो बेहद नाकाफी है। पानी के पीने की व्यवस्था के लिए लगाए गए एकमात्र हैडपंप पर मोटर लगाकर बोर्ड के कार्यालय और कैंटीन के लिए पानी दिया जाता है और आम लोगों के पीने के पानी तक के लिए यहां कोई व्यवस्था नहीं है। मंडी जसूर में फैली गंदगी का मामला एसडीएम नूरपुर के संज्ञान में लाने से उपमंडला अधिकारी नूरपुर सुरेंद्र ठाकुर तुरंत हरकत में आए और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मंडी परिसर में दबिश देकर सारी स्थिति का मौके पर अवलोकन किया तथा सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ विकासखंड अधिकारी नूरपुर, बीएमओ पशुपालन विभाग के अधिकारी, जांच व कामनाला पंचायत के प्रतिनिधि व आरती संघ जसूर के पदाधिकारी पर मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बताया कि सब्जी मंडी की हालत का उन्होंने मौके पर जायजा लिया। यहां बहुत सारी कमियां पाई गई। इस संदर्भ में मंडी समिति के अधिकारियों और मंडी संचालकों को शीघ्र व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए बैठक कर आदेश दिए गए हैं और उन्होंने चंद दिनों की मोहलत देकर मंडी को पूरी तरह से साफ करने के आदेश दिए हैं। अन्यथा प्रशासन द्वारा गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी गंदगी से कोई बीमारी भी फैल सकती है, इसीलिए फिलहाल सभी मिलजुल कर व्यवस्था को सुचारू रखने में सहयोग करें। वहीं मंडी में बंद पड़े शौचालय और स्नानाघर के साथ साथ पीने के पानी और शौचालय की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से बैठक कर हल किया जाएगा। शिकायत ये प्राप्त हुई थी कि इनके द्वारा जो है अपनी दुकान के आगे और पीछे डंपिंग की जा रही है। जो वेजिटेबल जो खराब गली सड़ी सब्जियां हैं और जो फ्रूट्स हैं उनको जो है बेतरतीब तरीके से जो फेंका जा रहा है, जिससे कि काफी डिकेइंग जो वेजिटेबल मेटल्स थे उससे दुर्गंध पैदा हो रही थी। और इसके बारे में मुझे शिकायत कर सकती थी मैं क्या कहते हैं खंड विकास अधिकारी साहब और बीएमओ साहब और साथ में इनके साथ क्या कहते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स से मैंने टेलीफोनिकली बात की और पशुपालन विभाग के जो अधिकारी हैं इनके साथ मैंने आज विजिट किया है। व्यापार मंडल के जो ये जो है आपके लोकल सब्जी मंडी है इनके चेयरमैन और इनके जनरल सेक्रेटरी और इनके और लोगों से मुलाकात की है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अव्यवस्था का माहौल यहाँ पर है। गाड़ियां बेतरतीब तरीके से खड़ी की हुई हैं और जो जब लोडिंग और अनलोडिंग के समय में जो वेस्ट मटेरियल आता है वो सब यहाँ पर प्रॉपरली डंप नहीं किया जा रहा है, जिस करके जो है मार्केट में चीज़ें गल सड़ रही हैं और बहुत दुर्गंध भी है यहाँ पर। और जब मैंने इस बारे में जो है बीएमओ साहिब से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हेल्थ हैजर्ड यहाँ पर हो सकता है। पशुपालन विभाग के अधिकारी ऐसा मानते हैं कि अगर इन प्रोडक्ट्स को जो ये वेजिटेबल लेफ्ट ओवर्स है और जो फ्रूट लेफ्ट ओवर्स है इसको खाने से जो है एनिमल्स की चोकिंग भी हो सकती है और लगे हाथों जो है वो कोई डिजीजेस भी उनमें फैल सकती है। बट मेरा पर्सनली ऐसा भी मानना है कि वो एनिमल्स के लिए भी हैजर्डस है और ये यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए भी और यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए भी हैजर्डस है। तो मैंने डायरेक्शन दी है कि जो जल्द से जल्द इसको जो है अपने दुकानों के आसपास जितना भी कचरा है उसको कंसर्न जो शॉपकीपर है वो अपने आप उसे साफ करें और इनके व्यापार मंडल के जो चेयरमैन हैं